नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संगीता होम एंड किचन में। तो आप लोग कैसे हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आज बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा। तो मैं गाजर तो पहले से घिस के रख ली हूँ, तो आइए देख दिखा देती हूँ मैं। तो देखिए गाजर घिस ली हूँ, ये चुकंदर है घिसना, तो एक चुकंदर डालना ना भूलिए दोस्तों। ये इसके डालने से बहुत अच्छा कलर आता है, तो ये इसको मैं पहले घिस लेती हूँ। मैं इसको घिस लेती हूँ, तो देख सकते हैं मैं गाजर घिस रही हूँ, इसी चुकंदर घिस रही हूँ, इसी तरह मैं गाजर को घिसी थी। देख सकते हैं मैं इसको कलर के लिए डाल रही हूँ। इसका भी मैं रेसिपी दूंगी, हलवा का बना के दूंगी। पहले मैं पराठा का डाली हूँ, वो देखना ना भूलिएगा। घिस लेती हूँ मैं। देखिए हमारा तेल कढ़ाई गर्म हो गया, तो इसमें मैं घी डाल देती हूँ 2 बड़े चम्मच। गर्म हो गया, तो घी गर्म हो गया है, इसमें डाल देती हूँ गाजर। चुकंदर क्यों डाली हूँ, इसको कलर आने के लिए, अलग से मुझे कलर का जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा कलर आता है चुकंदर से। थोड़ी देर इसको थोड़ी पक गई है, तो इसमें थोड़ा दूध डाल देते हैं। तो इतना दूध डाल देती हूँ मैं, इतना पूरा नहीं डालूंगी, थोड़ा डालूंगी, थोड़ा मैं खोआ बनाऊंगी। अभी मलाई सहित डाल रही हूँ मैं। देखिए तो इसको मिक्स कर देती हूँ, इसको पूरा मिक्स कर ली हूँ। इसको फिर से ढक के पकाना है इसको कम से कम आधा घंटा। तो ये देख लेते हैं एक बार और कैसे पक रहा है कैसे नहीं। इधर और से भी पक रहा है दूसरे चूल्हे पे। देख सकते हैं 10 मिनट में कैसा हो गया है, इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। इसको पकने देते हुए, तो ये मिल्क पाउडर है, मैं इसको खोआ भी बनाना है, इसको खोआ बना लेते हुए। तो ये एक कटोरी से 2 कटोरी लूँगी मिल्क पाउडर, इसमें 1 कटोरी दूध डालूंगी इसी से। तो इसको अच्छे से खोआ बन जाएगा। इसमें गाजर के हलवा में डालने के लिए तो देख सकते हैं, ये दूध भी डाल देती हूँ इसमें। तो इसको पहले मिक्स कर देती हूँ, फिर गैस पे रखूँगी। इसको ऐसे मिक्स कर रही हूँ, ऐसा करने से लम्स नहीं रहेगा।
तो देख सकते हैं हो गया है मिक्स। इसको गैस पे रख देती हूँ, तो देख सकते हैं इसमें मैं एक चम्मच घी डाल देती हूँ। गैस को चालू कर ली हूँ, जला ली हूँ। इसको मैं ऐसे ऐसे मिक्स कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं नट बनने लगा है ये। इसे बराबर इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो ये पकड़ लेगा। इसको छोड़ना नहीं है। आप लोग भी बना सकते हैं इसको मावा, मावा ये दूध का मिल्क पाउडर का खोआ बना सकते हैं इसे। नहीं रहे तो पाउडर लाना, वो फट से बन जाता है 5-10 मिनट में। तो देख सकते हैं कितना आसानी से बन गया। जल्दी से घर में आगे खोआ नहीं है, कुछ नहीं है, लाने की जरूरत नहीं है। फट से बनाइए, दूध मिल्क पाउडर रहना चाहिए, पानी पानी में भी बना सकते हैं। ये मेरा रेडी हो गया है। तो देखिए मेरा कढ़ाई अब छोड़ने लगा है। इसको अब नीचे उतार लेती हूँ और गाजर का हलवा को देख लेती हूँ वो कैसा। इसको खोल के देख लेती हूँ इसका टेक्सचर कैसा है। तो इसको खोल के देख लेती हूँ। टेस्टी बनता है, ठंडी में तो इसको बनाना चाहिए। मैं तो 3-4 बार बनाती हूँ ठंडी जब तक रहती है। दोस्तों इसको ऐसा पकाना है कि मुंह में खाए तो भूल जाए, ऐसा नहीं कच कच नहीं आना, ऐसा इसको पकाना है। तो मैं अंजाज से शक्कर डाल देती हूँ, मेरे घर में मीठा बहुत खाते हैं, तो मीठा जितना मुझे डालना चाहिए उतना डाल देती हूँ अपने हिसाब से। तो करीब मैं 1.5 किलो से ज़्यादा डाली हूँ, फिर देखूँगी मैं मीठा कम पड़ेगा तो फिर बाद में डालूँगी। इसको मिक्स कर लेते हूँ। चीनी डाल दिए, देखो ये मिक्स कर लिए। ये कैसा लग रहा है अब? पूरा ढीला लग रहा है, पूरा गीला है ना। अब चीनी डाले तो शक्कर गल गया है। अब इसको 5 मिनट और पका लूँगी मैं ढक के, फिर बाद में मेवे डालूँगी। देख लेते हैं 5 मिनट हो गए, इसको देख लेते हैं कैसा है इसका टेक्सचर। देख सकते हैं कितना अच्छा हो रहा है, पक गया है। अब इसमें अब ड्राई फ्रूट डालना है। ड्राई फ्रूट जब ले ली हूँ मैं, देख सकते हैं। तो ये किशमिश ली हूँ, काजू ली हूँ, पिस्ता ली हूँ, इतना सारा बादाम ली हूँ, तो खोआ भी ली हूँ, बनाई हूँ आपके सामने दिख रहा था, बनाई मैं घर पे। इसको कट कर लेती हूँ पहले। तो ये अब ड्राई फ्रूट में कट कर ली हूँ, अब इसको मैं डाल देती हूँ।
देखिए ऐसा कट करेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ, फिर ऊपर से डालेंगे, गार्निश करेंगे, मिक्स कर देती हूँ इसको। अब ये पूरा पक गया है, इसको थोड़ा सा मिक्स डाल देती हूँ। देखा तो इसको मैं फिर से डाल देती हूँ, थोड़ा और डाल देती हूँ, बस देख सकते हैं कितना दानादार दिख रहा है ना। ओके, कितना अच्छा लग रहा है देखने में अभी। तो इसको मैं अब निकाल लेती हूँ, मेरा रेडी हो गया है, गैस बंद कर देती हूँ, इसको मैं निकाल के रख लेती हूँ। तो देखिए हमारा गाजर का हलवा बन के रेडी हो गया है। तो आपको कैसा लगा गाजर का हलवा? तो अब हमारा पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोग बनाइए खाइएगा हमारे तरीके से एक बार, अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारा कैसा लगा गाजर का हलवा। तो मिलती हूँ ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।